वेलकम टू उत्थान मैथ क्लास। आज आम कार्यफल 33 करिबा। एही कार्यफल आमे माने शतकड़ा लाभ और क्षति विषय जानिबा। प्रथम परिस्थिति आमर देछि जणे दोकानी सेओ किलोग्राम प्रति 30 टंकारे किणी 50 टंकारे बिक्री कला। कहिलो पिला माने दोकानी रा लाभ हेला कि क्षति हेला, से 30 टंकारे किणीछि एवं 50 टंकारे बिक्री करिछि, तो एठी हमरो लाभ हेछि। जदि लाभ हेला केते टंका लाभ हेला केमिति जानिबा, आमे से केते टंकारे बिक्री करिछि 50 टंकारे बिक्री करिछि, किणीथिला केते टंकारे 30 टंकारे किणीथिला, तो 50 रो आमे 30 को माइनस करि दबा, तो केते टंका तार लाभ हेला 20 टंका तार लाभ हेला। एथुरो आमे कोन जानिले, एथिरु आमे जानिले जे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ठारु अधिक हेले लाभ हुए। जदि बिक्री मूल्यटा आमर किणा दाम ठारु अधिक हब ताहेले आमर लाभ हब, अर्थात लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एटा आमे जानिले लाभ विषय रे। एबे आसीबा आमे क्षति विषय रे जानिबा। सेकेंड परिस्थिति रही, जड़े खेलना दोकानी खेलना प्रति 20 टंकारे किणी 15 टंकारे बिक्री कला। कहिला पिला माने दोकानी रो लाभ हेला कि क्षति हेला, तो एठी आमर क्षति हबो, से 20 टंकारे अधिक दाम दे कि किणीछि एवं कम दाम रे बिक्री करूछि, तो एठी तार क्षति हबो। जदि क्षति हेला प्रति खेलना रे से केते टंका क्षति हेला, से 20 टंकारे किणीथिला एवं 15 टंकारे बिक्री कला, तो तार क्षति केते हबो, 20 टंकारु आमे 15 टंका फेरी देले 5 टंका, तार 5 टंका क्षति हबो। सेपरि आमे जदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ठारु अधिक हेले क्षति हुए, जदि किणा दाम बिक्री दाम ठारु अधिक हुए ताहेले क्षति हबो, अर्थात क्षति इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एबे आमे जानिले केमिति लाभ क्षति निर्णय करि परिबा, तो जो प्रश्न गुड़िक दिया हेछि ताकु देखिके तार आंसर करिबा। निम्न प्रश्न गुड़िक रे लाभ निर्णय कर, आमर जो प्रश्न गुड़िक दिया हेछि एठी आमे लाभ निर्णय करिबा। गोटे उदाहरण दिया हेछि, उदाहरण देखिके बुझिबा। क्रय मूल्य गोटे जिनिसर क्रय मूल्य होउछि 40 टंका, विक्रय मूल्य होउछि 50 टंका। 40 टंका रे किणा हेछि एवं 50 टंका रे बिक्री करा जायछि, तो लाभ एठी केते हबो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य रु आमे क्रय मूल्य फेरी देले आमर लाभ बाहर, तो 50 टंका होची विक्रय मूल्य एवं 40 टंका होची क्रय मूल्य। 50 टंका रु आमे 40 टंका को फेरी देले 10 टंका आमर लाभ हबो। सेपरि आमे फर्स्ट क्वेश्चन करिबा, क्रय मूल्य होची 100 टंका, विक्रय मूल्य होची 110 टंका, तो लाभ केमिति बाहर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हेला 110 टंका एवं क्रय मूल्य हेला 100 टंका, तो 110 टंकारु फेरी दले केते 100 टंका आमर हे जीव 10 टंका, तो 10 टंका आमर लाभ हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, एठी क्रय मूल्य हेला 28 टंका एवं विक्रय मूल्य हेला 56 टंका, तो लाभ हेला आमर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हेला 56 टंका माइनस 28 टंका क्रय मूल्य, तो 56 रु 28 को फेरी देले आमर हेला 28 टंका हेला आमर लाभ। क्रय मूल्य होची 71 टंका, विक्रय मूल्य होची 130 टंका, लाभ आमे 130 टंका रु 71 टंका विक्रय मूल्य रु क्रय मूल्य को फेरी दबा, हे जीवा आमर केते 69 टंका हब लाभ। नेक्स्ट रही, क्रय मूल्य 99 टंका एवं विक्रय मूल्य 119 टंका, एठी मध्य आमे लाभ निर्णय करिबा। बारंबार आमे फॉर्मूला लिखि देबे ले आमको मने रहिबो। एठी आमर क्रय मूल्य हेला 99 टंका एवं विक्रय मूल्य हेला 119 टंका, एठी मध्य आमे लाभ निर्णय करिबा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 119 टंका रु 99 टंका फेरी देले आमर 30 टंका हेला लाभ। एठी मो क्रय मूल्य रहिछि 95 टंका एवं विक्रय मूल्य रहिछि 115 टंका, तो आमे जानिले एते क्वेश्चन करिबा परे आमे जानिगले बा लाभ केमिति बाहरिबो। लाभ आमर विक्रय मूल्य रु क्रय मूल्य को फेरी दबा, तो 115 रु 95 टंका फेरी देले आमर 20 टंका हेला लाभ। एही परि भाबरे आमे लाभ निर्णय करि परिबा।
प्रथम क्वेश्चन रे आमे लाभ निर्णय कले द्वितीय प्रश्न रे आमर क्षति निर्णय करिबा पई दिया है छी। एठी उदाहरण गोटे दिया है छी, आस देखिबा उदाहरण। क्रय मूल्य केमिति बाहा क्रय मूल्य हैला 50 टंका एवं विक्रय मूल्य हैला 40 टंका। एठी देखो क्रय मूल्य अधिक रहुचि, किणा दाम अधिक रहुचि एवं बिक्री मूल्य कम रहुचि, तो क्षति आमर हे जीवो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जोंटा आमे लाभ रे करूथिले विक्रय मूल्य रु क्रय मूल्य को फेडुथिले, क्षति रे आमे क्रय मूल्य रु विक्रय मूल्य को फेडिबा। आमे गोटे जिनिष देखिबा अधिक रु कम को फेरिबा, एटा मन रखिले आमे जा लाभ क्षति निर्णय करि परिबा। तो क्षति आमर क्रय मूल्य हैला 50 टंका एवं विक्रय मूल्य हैला आमर 40 टंका। तो 50 रु आमे 40 को फेर देले 10 टंका, 10 टंका होची क्षति। तो सेहीपरी आमे जो क्वेश्चन दिया है छी ताकु आस करिबा। क्रय मूल्य रही 100 टंका एवं विक्रय मूल्य रही 80 टंका, तो क्षति केते हे जीवो। क्रय मूल्य रु आमे जदि विक्रय मूल्य को फेरी दबा, क्षति आमर बाहर 100 टंका रु 80 टंका को फेरी देले 20 टंका। ए जो 20 टंका हैला एटा हैला क्षति। जणे लोक 100 टंका रे किनिछि एवं से 80 टंका रे बिक्री कर देला, तार क्षति 20 टंका हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये सेमिति क्षति बाहर करिबा। क्रय मूल्य एठी रही 95 टंका एवं विक्रय मूल्य रही 87 टंका, तो क्रय मूल्य रु आम विक्रय मूल्य को फेरी देले क्षति बाहर 95 टंका रु आम 87 टंका को फेरी दबा, हे जीवो आमर 8 टंका। ए जो 8 टंका हैला क्षति हबो। क्रय मूल्य रही 150 टंका एवं विक्रय मूल्य रही 125 टंका, क्षति हैला आमर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 150 टंका रु 125 टंका को फेरी देबा, फेरी देले आमर हबो 25 टंका क्षति। नेक्स्ट अछि आमर क्रय मूल्य 150 टंका एवं विक्रय मूल्य रहिछि 125 टंका, सेम क्वेश्चन को से रिपीट करिछि। तो एठि मध्य से क्षति हैला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 150 रु 125 को फेर देले 25 टंका हे गला क्षति। नेक्स्ट ई रे रहिछि आमर क्रय मूल्य 220 टंका एवं विक्रय मूल्य 180 टंका। एते क्वेश्चन समाधान कला परे तमे जानि पारुथिबो क्षति हो केमिति बाहर करिबा। आमर क्रय मूल्य रु विक्रय मूल्य को फेरी दबा, तो 220 टंका रु आमे 180 टंका फेरी देले हमर 40 टंका क्षति बाहरिबो। नेक्स्ट उदाहरण टी शतकड़ा लाभ केमिति निर्णय करा जीवो से विषय रे दिया है छी, आस बुझिबा। प्रथम उदाहरण टी एई भरी भाव रे रही छी, 300 टंका दाम रे गोटिए वस्तु को किणी 375 टंका दाम रे बिक्री करा गला। गोटिए जिनिस को 300 टंका रे किणा जाई छी एवं 375 टंका रे बिक्री करा जाई छी। तो एठी हमर लाभ हैला, प्रथमे आमे बाहर करि दबा हमर केते टंका लाभ हैला। तो आमे प्रथम क्वेश्चन रु जानछंती लाभ केमिति बाहर करिबा। विक्रय मूल्य रु क्रय मूल्य को फेरी दबा, 375 टंका रु 300 टंका फेरी देले आमर 75 टंका लाभ हैला। एपे आमे शतकड़ा लाभ केमिति निर्णय करिबा सेटा जानिबा। 300 टंका किणा दाम बेले लाभ हैला 75 टंका, किणीथिला केते टंका रे 300 टंका रे, तो लाभ केते हैला तार 75 टंका लाभ हैला। जदि से 1 टंका रे किणी थांता ताहेले तार केते लाभ होई थांता, 1 टंका किणा दाम बेले लाभ होबो 75/300 टंका। 100 टंका किणा दाम बेले लाभ केते हि जीवो, 100 रे बाहर कले 100 गुणीबा 75/300 गुणन 100, एठी आमे काटी देले हि जीवो हमर 25 टंका। तो 25 शतकड़ा लाभ हैला 25 शतकड़ा बा 25 शतकड़ा ए संकेत साहाज्य रे ताकु दर्शेइबा। तो एई परि भाव रे आमे शतकड़ा रे निर्णय करिबा, प्रथमे 1 रो बाहर करिबा तापरे 100 रो बाहर करिबा। यार फॉर्मूला टी केमिति हबो तड़े दिया है छि देखिबा। ए जो आमे शतकड़ा बाहर कले एथिरु आमे को फॉर्मूला पाइले केमि, तो आमे देखिले जे शतकड़ा लाभ केमिति बाहर करी हबो। लाभ बाय क्रय मूल्य देखो एटा जो 75 होछि हमर लाभ, विभक्त 300 होछि हमर क्रय मूल्य, गुणन 100।
करदबा तापर परसेंटेज रमी शतकड़ार चिन्ह एमती दबा तो यहीटा आउ थे देखिदि शतकड़ा लाभ हम लाभ पाई क्रय मूल्य पचस्तरीटा आमर क्रय लाभ होता एवं तीन शह आमर क्रय मूल्य होता गुणन शहे यही आम फर्मूला प्रयोग करते न लेखिकी शतकड़ा लाभ निर्णय कर पारिबा। तीन नंबर रही निम्न प्रश्न गुड़िकर शतकड़ा लाभ निर्णय कर क्रय मूल्य ये दिखाई 200 टंका एवं विक्रय मूल्य है 230 टंका शतकड़ा लाभ केमी बाहर करवा उपर फर्मूलू आम प्रयोग करवा लाभ पाई क्रय मूल्य गुणन 100 लाभ ये के 200 टंकारे किणा 230 टंकारे बिक्री करा तो लाभ हो 30 टंका 230 रु 200 को फेड़दबा 30 टंका है विभक्त आमर क्रय मूल्य केते क्रय मूल्य है 200 टंका 30 विभक्त 200 गुणन 100 है आमर केते 100 रे काटिदे यहाँ 2 हो 2 रे 30 काटिले 15 हम 15 शतकड़ा यही फर्मूला प्रयोग कर आम शतकड़ा लाभ निर्णय करपरिया कि ना खाली केवल लाभ केते हूँ देखीदबा यू विक्रय मूल्य रु क्रय मूल्य को फेड़दबा तापर क्रय मूल्य ये दिखाई लिखिदबा गुणन 100 कर बाहर करिपारिबा एठी बी रे दिया है ची क्रय मूल्य 120 टंका विक्रय मूल्य हैला अमर 150 टंका एठी लाभ केते ही जीवो पिला माने 150 रु को 120 को फेड़ी दबो एठी बाहरी जीवो लाभ 30 टंका तो शतकड़ा लाभ केते हम लाभ बाय क्रय मूल्य गुणन 100 लाभ हैला 30 टंका क्रय मूल्य हैला 120 टंका गुणन 100 एठी काटी देकी हे जीवो अमर 25 शतकड़ा। नेक्स्ट रही क्रय मूल्य 80 टंका विक्रय मूल्य 100 टंका तो आम जाणिले लाभ हो 20 टंका शतकड़ा लाभ है 20 बै 80 20 है लाभ 80 है क्रय मूल्य गुणन 100 ये तुम मैंने काटिपार शून शून कटिजी 2 रे काटिले 4 हो 4 को लेकिन 100 रे काटिले 25 हो तो 25 शतकड़ा किणा दाम 100 टंका न हो भिन्न होते शतकड़ा क्षति केमी निर्णय कर शतकड़ा लाभ विषय जाणी एवं शतकड़ा क्षति विषय जाणी 200 टंका दाम रे गोटे वस्तु को किणी 180 टंका दाम रे विक्रय करागला तो क्षति केते ही गला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 200 टंका रु 180 टंका फेड़दे 20 टंका है क्षति 200 टंका किड़ा दाम बेले क्षति हैला 20 टंका 200 टंका रे आमे किनी क्षति आमर केते हैला 20 टंका हैला तो 100 टंका किड़ा दाम बेले क्षति केते ही जीवो 20 बाय 200 100 टंका किणा दाम बेले 100 काहीकि नौछंती आमे जत्ते बेले शतकड़ा निर्णय करूछंती सेते बेले सबु बेले 100 रे निर्णय करिबा तो 100 टंका किणा दाम बेले क्षति हे जीवो 20 बाय 200 गुणन 100 हे गला 10 शतकड़ा तो शतकड़ा क्षति हैला मोर 10 शतकड़ा शतकड़ा क्षति हैला 10 टंका बा 10 शतकड़ा एथिरु आमे कौन जानिले कौन फर्मूला आमे पाइले आमे देखिले शतकड़ा क्षति होची क्षति बाय क्रय मूल्य गुणन 100 क्षति एठी 20 टंका हेतिला ए जो क्षति बाय क्रय मूल्य गुणन 100 तो एई फर्मूलाटा आमे पाइले एठी पिला माने गोटे जिनिस लक्ष्य करिबा शतकड़ा लाभ निर्णय कला बेले एटा लाभ हे जीवो बाय क्रय मूल्य गुणन 100 क्षति हेले शतकड़ा क्षति ले क्षति बाय क्रय मूल्य गुणन 100 एटा लाभ बा क्षति हे जीवो ए जो तड़टा आमर सब बड़े क्रय मूल्य रहिबो एवं गुणन 100 रहिबो। चारि नंबर रही निम्न प्रश्न गुड़िक शतकड़ा क्षति निर्णय कर शतकड़ा क्षति केमी निर्णय कर विषय आम जाणिले ये आम निर्णय करवा क्रय मूल्य है 300 टंका विक्रय मूल्य है 270 टंका तो क्षति ये केते ही जीव 300 टंका रु 270 टंका को माइनस करदे 30 टंका ही जीव क्षति शतकड़ा क्षति हम क्षति बाय क्रय मूल्य गुणन 100 जो फर्मूलाटा आम शिखिले क्षति है 30 टंका क्रय मूल्य 300 टंका गुणन 100 यहाँ काटिदेले आमर हो 10 शतकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ଏଇଠି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 220 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 200 ଟଙ୍କା। ତ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଆମର 20 ଟଙ୍କା, 220ରୁ 200କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 20 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେବ କ୍ଷତି ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। କ୍ଷତି ହେଲା 20 ଟଙ୍କା, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 220 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 100। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର କଟିବ କେମିତି କାଟିବା, 20 ବାଇ 200 ଗୁଣନ 100। ଏଇଠି ଶୂନ ଶୂନ କାଟିଦେବା ଆମେ, ତାପରେ 2ରେ 22କୁ କାଟିଲେ 11 ହେବ, 11କୁ ଆମେ 100ରେ ଭାଗ କରିଦେବା। ଭାଗ କଲେ 11ରେ 9 ଗୁଣିଲେ 99 ହେବ, 1 ରହିଲା। ତ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ବିଭକ୍ତ 11 ଶତକଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 140 ଟଙ୍କା, ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 130 ଟଙ୍କା। ତ କ୍ଷତି ହେଲା 10 ଟଙ୍କା, 140ରୁ 130 ଗଲା 10 ହେଲା। ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେଲା କ୍ଷତି ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100, 10 ବାଇ 140 ଗୁଣନ 100। ଏଟାକୁ ବି ଆମେ କାଟିବା, 100 ବାଇ 140 ଗୁଣନ 100। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶୂନ ଶୂନ କାଟିଦେବା, ଏଇଠି 2ରେ କାଟିଲେ 2କୁ 14ରେ କାଟିଲେ 7 ହେବ, 100କୁ କାଟିଲେ 50 ହେବ, 50 ବିଭକ୍ତ 7। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରି ଦେବା, 7ରେ ଭାଗ କଲେ 7 ସତ 49, 1 ରହିଲା ଭାଗ ଶେଷ। ତ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ବିଭକ୍ତ 7 ଶତକଡ଼ା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା।